इंजीनियर्स स्टडी ठीक है स्टूडेंट तो ये पार्ट टू है है ना जो विंटर्स वाला जो चैप्टर विंटर्स नाइट का पार्ट टू है देखो क्या है यहाँ पर <coughs> मींट देखो जेबरा क्या हो रहा था बार बार फेक, खेत की तरफ फील्ड की तरफ जा करके भोगते जा रहा था तो उसका मतलब क्या था इट मींट इसका मतलब क्या निकल रहा था पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवरों का जो झुंड है पैक मतलब झुंड हैड प्रोबेबली ब्रोकन इन टू द फील्ड वो भीड़ पड़ा है खेत में ऐसा इसका मतलब है दे माइड बी ब्लू बक ब्लू बक एक एनिमल होता है ये शायद ब्लू बक हो सकते जो खेत को चौपट करने आए हैं दे मस्ट बी गेजिंग वे वहाँ चर रहे होंगे गेज कर रहे होंगे घास को खा रहे होंगे फसल को खा रहे होंगे है ना ही बिगैन टू हीयर द साउंड ऑफ हिबलिंग उसने ही बिगैन टू ही उसने सुनना स्टार्ट कर दिया साउंड ऑफ निबलिंग लिबलिंग का मतलब होता है कतरने की आवाज उसने सुनना सुनने की कोशिश की ही थॉट उससे लगा नो no, नहीं विद जेबरा जेबरा के साथ अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड जेबरा के होते हुए कोई भी एनिमल है ना अराउंड नो एनिमल हमारे आस पास कोई भी एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड मतलब खेत के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता ही वुड रिप इट टू सरेड वो क्या करेगा जैबरा रिप का मतलब उसे भगा देगा है ना इट टू स्रेड मतलब क्षण भर में उसे वहाँ से भगा देगा है ना आई मस्ट हैव बिन मिस्टेकन मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ ये जो मैं सोच रहा हूँ ना कि जरूर कोई एनिमल आ गए हो गए हमारी फील्ड में ये ऐसा सोच के मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ ऐसा वो कह रहा है ना हो देर इज नो साउंड एट ऑल अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी कोई ऐसी निबलिंग uh, मतलब कतरने वगैरह की आवाज़ नहीं आ रही थी अभी तो ठीक है क्या हुआ ही साउटेड जेबरा जेबरा उसने चिल्लाया जेबरा जेबरा ऐसा करके हल्कू ने चिल्लाया जेबरा वेंट ऑन बार्किंग जेबरा भुगता ही रहा एंड डिड नॉट कम टू हिम और उसके पास नहीं आया ठीक है देन अगेन और फिर से देर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड और फिर से थोड़ी देर बाद आवाज आने लगी मंचिंग और क्रंचिंग की मंचिंग मतलब चबाने की क्रंचिंग मतलब तोड़ने वोड़ने की ऐसी कुछ आवाज आने लगी है ना ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम इस बार उससे गलती नहीं हो सकती कुड नॉट हैव बीन मिस्टेक ऑन दिस टाइम अब वो दूसरी बार ये गलती नहीं कर सकता था इट रियली हर्ट टू थिंक इट रियली हर्ट टू थिंक ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज गेटिंग अप का मतलब होता है उठना है ना हर्ट का मतलब होता है परेशान या दुखी ये बात उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी टू थिंक वो कि वो सोच रहा था गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉस जहाँ वो था वहाँ से उठना भी उसके लिए बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था उसे हर्ट सूटने के बारे में सोचना भी उसे बहुत तकलीफ दे रहा था कि ये कैसे उठूँ मैं यहाँ से है ना क्योंकि एक तो ठंड है ठंड में तो आदमी को हिलने डुलने में भी बिल्कुल दिक्कत होती है एक तो खेत में वो फील्ड में है और वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है है ना जनवरी की रातें तो इट वॉज सो कंफर्टेबल दे आर इट सीम्ड इन टॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड इट वॉज सो कम्फर्टेबल उसे बड़ा कंफर्टेबल रख रहा था वो राख के पास बैठा था एस एस के पास है ना दे आर इट सीम्ड इनटॉलरेबल वो ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल इनटॉलरेबल है मतलब सहन करने योग्य नहीं है, है ना जिसे सहन न किया जा सके टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड इस ठंड में उस फील्ड तक जाना है ना आग के पास बैठा है वो है ना ऐसे उसकी आग ले रहा है वहाँ से गर्मी ले रहा है और वहाँ पर वहाँ से फील्ड की तरफ जाना उसके लिए क्या था बिल्कुल लिसन मतलब लग रहा था इनटॉलरेबल मतलब असहनीय लग रहा था एंड चेज आफ्टर एनिमल और उन जानवरों के पीछे भागना ये सब उसके लिए क्या था इनटॉलरेबल असहनीय लग रहा था ही डिडेंट स्टर स्टर का मतलब हिलना वो हिला तक नहीं

द क्रॉप वॉज रेडी और अभी फसल जस्ट तैयार ही हुई थी अपनी इनिशियल स्टेट में ही थी और तब वो एनिमल्स उसको खा रहे थे अटैक चालू कर दिए थे वॉट अ फाइन क्रॉप इट वॉज कितनी कमाल की वो क्रॉप थी कितनी फाइन क्रॉप थी एंड दीज कर्स्ड एनिमल वर डिस्ट्रॉइंग इट और ये जो कर्स्ट मतलब पापी दुष्ट एनिमल क्या कर रहे थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे खत्म कर रहे थे विद अ फॉर्म रिजॉल्व फॉर्म रिजॉल्व का मतलब होता है पूरे दृढ़ संकल्प के साथ पूरी शक्ति को एक एक साथ करके ही अप वो उठा बड़े मुश्किल से एंड टू का फ्यू स्टेप्स और कुछ कदम आगे बढ़ाया ताकि वो एनिमल को भगा सके बट लेकिन सडनली अचानक अ गस्ट ऑफ विंड एक हवा का झोंका का पियर्स ढीम उसे चुभने लगा पियर्स ढीम मतलब उसे चुभ रहा था स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियंस किसी बिच्छू के डंक के जैसे उसे चिब रहा था स्टिंग मतलब स्टिंग मतलब डंक लाइक अ स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू के डंक के जैसे वो पियस मतलब चुभ रहा था सो ही वेंट बैक एंड सेट अगेन बाय द एक्स एक्सटिंग फायर एंड स्टिल्ड अप द एसेस टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी इसलिए वो वापस आ गया एंड फिर से बैठ गया किसके बाएं मतलब बाजू में किसके उस एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझी हुई आग के बाजू में बैठ गया मतलब राख के बाजू में एंड स्टिल्ड अप हिलाने लगा उसे द एस राख को हिलाने लगा थोड़ा सा है ना टू वार्म हिस चिल्ड बॉडी अपने उस चिल्ड ठंडी बॉडी को गर्म करने के लिए उस राख को हिलाने लगा ताकि उससे कुछ गर्मी और बाहर निकले और जिससे वो खुद को गर्म कर सके है ना हल्को वेंट ऑन सिटिंग वो बाजू में बैठा ही रहा बैठना चालू रखा उसने पीसफुली आराम से बैठा रहा नियर द वॉर्म ऐसे उस गर्म अराक के बाजू में हिस ड्राउज उसकी जो नींद की जो स्थिति थी है ना उसकी निद्रा स्थिति हेल्ड हिम मोशनलेस उसने उसे क्या कर दिया था हेल्ड मतलब कर दिया था उसे मोशनलेस कर दिया बिल्कुल स्थिर कर दिया था एज दो मानो विद रोप्स वो क्या हो विद रोप्स हो रस्सियों से जकड़ा हुआ हो है ना हेल्ड हिम मोशन लेस एस दो विद रोप मतलब रस्सियों से वो जकड़ा हो ऐसा वो मोशनलेस हो गया था बिल्कुल स्थिर हो गया था वैड इन सॉल ही फेल असलीप रैड मतलब ढका हुआ था इन ही सॉल अपनी सॉल में ही फेल अस्लीप वो सो गया ऑन द वॉर्म्ड ग्राउंड उस गर्म ग्राउंड में नियर द एसेस जो राख के बाजू का जो जमीन गर्म हो गई थी वहीं पर वो लेट गया सॉल में ढका हुआ वैन ही वॉकअप और जब वो उठा इन द मॉर्निंग सुबह द सन वॉज हाई सन काफ़ी ऊपर आ चुका था मतलब काफ़ी सुबह का का लाइट फैल गया था है ना एंड मुन्नी वॉज से इंग और मुन्नी कह रही थी उससे डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे तुम्हें लगता है कि तुम दिन भर सो सो जाओगे डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे क्या तुम्हें लगता है कि तुम दिन भर ही सोने जा रहे हो भी है ना यू केम आउट हियर एंड हैड फाइन टाइम तुम इधर बाहर आ गए अपने खेत को छोड़ के एंड फाइन टाइम हैड फाइन टाइम का मतलब एक अच्छा समय बिताया वाइल्ड और उधर क्या हो गया वाइल्ड जबकि द होल फील्ड वॉज बींग पूरा का पूरा हमारा जो खेत था वो क्या कर दिया गया वॉज बींग फ्लैटन मतलब वो चौपट किया जा रहा था एनिमल के द्वारा ऐसा वो कैरी है आगे क्या हुआ हल्कू अप एंड सेड हल्कू उठा और कहने लगा देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड तो क्या तुम जस्ट उस फील्ड से होते हुए आयो खेत से ही आई हो है ना इसका मतलब यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड तुम आई हो क्या खेत से देखकर ही आई हो क्या वहां का हाल यस द होल फील्ड रोइंड एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट पूरी पूरी फसल क्या हो गई रोईण मतलब बर्बाद हो गई चौपट हो गई है ना एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट और तुम इस तरह से सो भी सके सो पाए आराम से सो गए तुम वाई डिड यू बॉदर तुमने क्यों तकलीफ उठाई टू पुट अप द सेल्टर एनी वे तुमने यहाँ झोपड़ी बनाने की सेल्टर बनाने की भी मुसीबत क्यों उठाई भाई है ना वो भी नहीं करना था जब तुम्हें जागना ही नहीं था फसल को तो फिर वो झोपड़ी और सेल्टर भी बनाने की क्या जरूरत थी ऐसा वो कह रही है हल्कू साउट एट एन एक्सक्यूज हल्कू ने थोड़ा सा बहाना बनाते हुए चिल्लाया आई नियरली डाइड मैं मरने वाला था एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप अरे भाई मैं तो मरते मरते बचाऊ आई नियर नियरली डाइड मैं मरने वाला था एंड जस्ट मैनेज और जैसे तैसे मैनेज किया टू गेट थ्रू काटने के लिए द इस रात को एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप और तुम्हें अपने क्रॉप की चिंता है अबाउट मतलब चिंतित हो तो अपने क्रॉप के लिए फसल के लिए देन और तब द टू ऑफ द एज ऑफ देयर लैंड अपने उस जमीन के एज मतलब किनारे तक वो पहुंचे पैदल चल के गए ही लुग्ड हल्कों ने देखा द होल फील्ड हैज बिन ट्रैम्पल्ड सारी फील्ड जो खारी सारी खेत को क्या कर दिया गया था ट्रेम्पर्ड मतलब कुचल दिया गया था जानवरों ने अस्त व्यस्त कर दिया था एनिमल्स लोगों ने है ना मुन्नीस फेस वॉज सेडोड विद ग्रीप मुन्नी की जो चेहरे पर दुख की परछाइयां छाई हुई थी बट हल्कू वॉज कंटेंट लेकिन हल्कू क्या था कंटेंट था संतुष्ट था खुश था उसे ज्यादा दिक्कत नहीं थी मुन्नी said. मुन्नी ने कहा ना यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस क्या बोल रहा है मुन्नी ने कहा यू विल हैव टू हायर तुम्हें हायर करना करना पड़ेगा खुद को योर सेल्फ है ना आउट बाहर बाहर तुम्हें अपने आप को काम में लगाना पड़ेगा टू अर्न सम मनी कुछ पैसे कमाने के लिए टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस हमने हमारी फसल तो अब बर्बाद हो गई लेकिन फसल का जो किराया था इस ज़मीन का जमीन का किराया वो तो हमें देना पड़ेगा ना जो रेंट है और जो टैक्स है वो तो देना पड़ेगा इसलिए तुम्हें बाहर काम करना पड़ेगा खुद को एक लेबर के रूप में हायर करना पड़ेगा किसी के पास है ना विद अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड हल्कू ने बड़े Uh, संतुष्टि से भरी हुई स्माइल के साथ कहा मुस्कुराते हुए कहा ज़्यादा दुखी नहीं था वो बिल्कुल संतुष्ट था है ना क्या कहा उसने बट आई विल नॉट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हीयर इन द कोल्ड लेकिन अब मुझे विल नॉट हैव टू स्लीप सोना नहीं पड़ेगा रातों में आउट यानी बाहर यहाँ बाहर यहाँ पर इन द कोल्ड इस ठंड में कब से कम अब मुझे ठंड में बाहर इस खेत में तो सोना नहीं पड़ेगा ऐसा वो कह रहा है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है यहाँ पर दिखा है कि एक जो फार्मर होते हैं जो किसान लोग होते हैं उनके लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है ना फसल की कितनी केयर करनी पड़ती है ठंड में भी उन्हें पूरा ध्यान रखना पड़ता है अपनी फसल का कितनी मेहनत करते हैं वो लोग ये यह यहाँ पर दिखाया गया तो थैंक यू वेरी मच गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए सही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को ये शेयर भी आपको करना है ओके स्टूडेंट और कमेंट जरूर करना है बताना है आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया थैंक यू वेरी मच